मेरा एक बेटा बीमार है। दूसरे बेटे वकार को जब वाकये का पता चला तो उसने कहा मैं पेश हो रहा हूँ। मोटर वे ज्यादती केस में खुद पुलिस को गिरफ्तारी पेश करने वाले मुलजिम वकारुल हसन की वालिदा का बयान मंजर आम पर आ गया। बोली अगर मेरे बेटे में कोई ऐब होता तो वो पेश ही ना होता। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील है कि मेरे बेटे के साथ इंसाफ किया जाए। मोहल्लेदारों ने भी वकारुल हसन शाह को बेकसूर करार दे दिया। पुत्रा पाई तन पाक मेरा पोतरा कल दुआवा लै गए और भी उन्हें रख लिया। ये मेरा पुत्र मेरा बीमार हस्पतालों आईया वा सिया आँगी दुआ है नहीं उन्हें पुछा दसा मेरे पुत्र ने उत्थे धुप्पी लिया के बाहर तन मेरा पुत्र तड़फदा है। असी तरले लैनी आ मैनू धक्का मार मेरी नूंह धक्का मार मेरे पोतरिया तफे मार इतें एक मत्थे तो गोली तरी ने एक मेरे पुत्र जरा तनवीर हसन है इतने तरी ने अंजन लग पाया करना एक और यकदम। मेरा भाई जो वकार ऐसा बंदा नहीं था उसकी वर्कशॉप है मोटरसाइकिल मकैनिक की। 30 साल तो असं अलीटो रह रहे हैं। पहले असं डेरा कोट मामदी रेंदे सी साडा उत्थों लैके रिकॉर्ड किला सहरसा स्टॉप से लेके रक्षे वाले से लेके हमारे पूरे गांव से पूछा जाए हम कैसे लोग हैं। अगर लोग हमें करप्ट कहते हैं तो फिर हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लोग हमें अच्छा कहते हैं तो फिर हमारे साथ घूमन को चाहिए इंसाफ करना। वो घर पहुंचा है, घर पहुंचने के बाद उसे हमने खुद पकड़ा है। इधर हमारे चेयरमैन साहब हैं सैयद बादशाह हैं, उनसे हमने रब्ता किया है, वो हमारे साथ गए। उधर जाकर हमने उसको पेश करवा दिया है। वो पुलिस कह रही है 14 दिन पहले रहा हुआ है हमारे इलाके में, सर्च करें। हम वीडियो जमा कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ चंद हो गई हैं, चंद रह गई हैं। पहले मुहर्रम से लेके आज के दिन तक जो है ना वो मौन मजलिस पड़ रहा है। अगर पुलिस कह रही है कि 14 दिन पहले रहा हुआ है तो मजलिस कैसे, जेल से आके तो नहीं पड़ रहा। असि उन्हें अगे तरले करते रहे, साडा भाई मौला दा मात नहीं है। साडे भाई नू नाल जाओ, असि पिट दियां रियां, उंदी बीवी नू भी कुटदे सन। तू दस किते असि रात दे भरा भी पेश करा दिता। साडा भाई इहो जिहा हुंदा ते असि उहनू कदी नहीं सी पेश कराना हैगा। कार कोई गलत बंदा नहीं, मौला दा माननी है, मौला दा जिक्र करन वाला है, छोटे छोटे बच्चियां वाला है, भैणां वाला है, इज्जतदार है, इज्जतदार है। ये जलाम लाया गया है, ये हक होना चाहिए, हक मिलना चाहिए। उन्हूं भी जिहड़ी बीबी नाल जास्ती उन्हूं भी हक दिओ, अगर इन्हां नूं भी हक दिओ। बेहनका बेगुनाह कोई मारो ही ना।